हाय एवरीवन, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारा प्रॉफिट लॉस में तीन पार्ट कवर हो चुका है, तो हम नियमित रूप से अब थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देते हैं, ताकि ये जो एक टॉपिक बीच में शुरू किया था ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। लाभ और हानि में हमने लगभग पहले क्लास में चार टाइप के सवाल देखे थे, दूसरी क्लास में डिसऑनेस्ट डीलर को देखा था, तीसरी क्लास में फिर हमने देखा होगा उसमें कि जब अलग अलग हिस्सों में वस्तुओं को बेचा जाए या फिर कई हाथों से होकर वस्तु गुजरे। आज हम देखेंगे जब खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या अलग हो तब हम लाभ हानि कैसे निकालेंगे, या फिर इसके अलावा भी कुछ और टाइप के सवाल जो इसमें बनते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं लाभ हानि में अगले टाइप की, लेकिन संक्षिप्त में पहले उन विद्यार्थियों की थोड़ी सी मदद कर देते हैं जिन्होंने अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी कठिनाई आ रही हो। अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस पर स्पेशल क्लास नहीं लिया है, उन सभी लोग स्पेशल क्लास डेली ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर। 80 से ज्यादा एजुकेटर इस समय अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत मिनिमम फीस है और बहुत ही डायनामिक टीम है जो प्रेजेंट सिनेरियो में यूपीएससी के महत्व और परिवर्तन को जानती है। वन ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें तो 40,000 का है, लेकिन अगर आप लोग एमके लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल हम कहेंगे कि 36,000 में ही मिल जाएगा। एमके लाइव रिफर कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा, तो आप इस रिफर कोड को जरूर यूज करें। जिन विद्यार्थियों का 2021-22 का टारगेट है उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा सेशन होता है कि वो जॉब के साथ तैयारी अगर कर रहे हैं तो धीमे धीमे 2 साल तक कंप्लीटली तैयारी रिवीजन सब कुछ उसमें कवर कर ले। वहां पर भी रिफर कोड यूज करने पर आपको सब्सक्रिप्शन 57,600 में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो सिविल सर्विस अगर टारगेट है तो उसको टारगेट कर लीजिए, और फिर जो भी आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। 12 महीने का इसलिए हम सजेशन देते हैं क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में 1-2 महीनों में कुछ नहीं हो सकता है, एक लंबी तैयारी की जरूरत होती है। रिफर कोड को यूज कर लीजिए, रिफर कोड अप्लाई होने पर यह सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर में 36,000 में ही मिल जाएगा। आइए देखते हैं लाभ और हानि की हम बात कर रहे हैं। लाभ और हानि के सवालों में अगर एक सिंपल सी बात आपसे कहें तो सवाल में जब मात्राएं अलग अलग हो का मतलब यह हुआ, मात्राएं अलग अलग का मतलब यह हुआ कि जब आपके खरीदी गई मात्रा कुछ और थी, बेची गई मात्राएं कुछ और थी, तो कैसे सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखना कंसेप्ट में इसमें जो सिखाऊंगा उसे जरूर याद रखिएगा, लेकिन प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ₹10 में 6 केले खरीदता है, जबकि मतलब ₹10 में उसने 6 केले परचेस किए थे, नंबर यहां पर अलग अलग होगा, जबकि वह ₹6 में 4 केले बेचता है, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो कोई दुकानदार है जो ₹10 में 6 केले खरीदता है और ₹6 में 4 केले बेचता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत में क्या होगी। तो सवाल को हल करने से पहले मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इस दुनिया में मैं लाभ हानि केवल तब बता सकता हूं जब खरीदी गई और बेची गई मात्राएं बराबर हो। जब तक कि खरीदी गई और बेची गई मात्राएं बराबर नहीं होगी आप लाभ हानि को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वो एक एक वस्तु की कीमत ज्ञात करके करने में बहुत ट्रेडिशनल तरीका और बहुत ही समय टाइम टेकिंग लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना,
सभी लोग नोट करेंगे कि लाभ और हानि केवल तभी ज्ञात की जा सकती है जब खरीदी गई और बेची गई मात्राएं बराबर हो। कोई कहे कि उसने 4 मकान खरीदे 10 मकान बेच दिए, बात समझ से परे है। वो 4 मकान खरीदे 4 मकान बेचे तो मैं बता सकता हूं कि लाभ हानि कितनी हुई होगी। तो ऐसे सवालों में हम पहले उसकी मात्रा को बराबर करेंगे। जैसे सवाल यह है कि 10 रुपए में 6 केले, 10 रुपए में 6 केले खरीदे थे और 6 रुपए में 4 केले बेचे हैं। रिपीट कर रहा हूं जिन लोगों ने मेरे शब्द पर ध्यान ना दिया हो, रुपए को बराबर नहीं करना है, मात्राओं को बराबर करना है, मात्राओं को बराबर करना है। हमेशा मात्राओं को बराबर किया जाएगा, खरीदी गई और बेची गई। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 6 और 4 दोनों के मल्टीप्लाई में आता है, ऐसा कोई नंबर जो 6 और 4 दोनों के मल्टीप्लाई में आता है। तो 12 ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीप्लाई में आता है। तो यहां पर भी 12 खरीदिएगा और यहां पर भी 12 बेचिएगा। वहां 12 खरीदने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 बेचने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये जनाब 20 रुपए में 12 केले खरीदता है और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो 18 रुपए में 12 केले बेच दिए। 20 रुपए की चीज वो गरीब 18 रुपए में बेच रहा है, तब हम कहेंगे कि उसे 2 रुपए का नुकसान हुआ। और सभी को पता है कि इस दुनिया में लाभ और हानि सीपी पर होती है, तो सीपी तो 20 रुपए था, 20 की चीज 18 में बेच दी, मतलब 2 रुपए का नुकसान 20 रुपए पर, हम कहेंगे कि नुकसान हुआ है 10% का। क्या ये बात समझ में आ रही है कि 2 रुपए का नुकसान क्यों? क्योंकि 20 रुपए के आर्टिकल को उसने 18 में बेच दिया, 20 रुपए के आर्टिकल को उसने 18 में बेच दिया। तब हम कहेंगे कि 20 रुपए का आर्टिकल अगर 18 रुपए में बेच रहा है तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है 20 रुपए पर, तो 2/20 गुना में 100, 10% की उसे हानि हो रही होगी। अब आप ट्राई करना, इसी टाइप में एक और सवाल दे रहा हूं मैं। एक दुकानदार तीन रुपए में आठ चॉकलेट खरीदता है तथा उसे 7 रुपए में 12 चॉकलेट बेचता है, 12 चॉकलेट बेचता है, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। मात्राओं को बराबर करिएगा, जो भी हल कर रहे हैं लाल लाली, मात्राओं को बराबर करना। बगैर मात्राओं को बराबर करके हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो 3 रुपए में 8 चॉकलेट और 7 रुपए में 12 चॉकलेट, 3 रुपए में 8 चॉकलेट 7 रुपए में 12 चॉकलेट, ऐसा कोई नंबर जो दोनों के कॉमन मल्टीप्लाई में आता है, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीप्लाई में आता है, तो पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदी थी और 14 रुपए में 24 चॉकलेट बेच दी, तब हम कहेंगे कि उस गरीब ने हम ये कह सकते हैं कि 9 रुपए की चीज 14 में बेची, 5 रुपए का मुनाफा 9 रुपए पर कमाया, तो 500/9 मतलब 55.55% का उसे लाभ हुआ है, 55.55% का उसे लाभ हुआ है। जहां पर भी खरीदी गई और बेची गई मात्राएं अलग अलग होगी,
आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आप मात्राओं को बराबर करेंगे और जब मात्राएं बराबर हो जाएगी तब आप लाभ हानि प्रतिशत में बता सकते हैं। तो मात्राओं को बराबर करना सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट वर्क होगा। तब आइए देखते हैं जरा एक और सवाल इसी में। एक दुकानदार 25 रुपए में 3 आम खरीदता है जबकि 15 रुपए में 2 आम बेचता है तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। करिएगा सॉल्व, करते चलिएगा सॉल्व। इसमें 25 रुपए में 3 आम खरीदे थे जबकि 15 रुपए में 2 आम बेच रहा है तब लाभ हानि प्रतिशत में क्या होगी? तब लाभ हानि प्रतिशत में क्या होगी? आइए फिर से देखना, मात्राओं को समान करना होगा, मात्राओं को समान करना होगा। तो 25 रुपए में 3 आम और 15 रुपए में 2 आम, मात्राओं को समान करिए। ऐसा कोई नंबर जो दोनों के मल्टीप्लाई में आए वो 6 है, 6 लाने के लिए या 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई, कोई फार्मूला नहीं। हम डायरेक्टली बता देंगे कि उसने 50 रुपए में 6 आम खरीदे थे और उस गरीब ने 45 रुपए में ही 6 आम बेच दिए। तो 50 की चीज अगर वो 45 में बेच रहा है तो हम कहेंगे कि उसे 5 रुपए का नुकसान 50 रुपए पर हो रहा है, 5 रुपए का नुकसान 50 रुपए पर हो रहा है, 10% की हानि हो रही होगी, 10% की हानि हो रही होगी। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, जब भी खरीदी गई और बेची गई मात्राएं अलग अलग होगी तो ऐसे सवालों में आपको पहले मात्राओं को बराबर करना होगा। जब तक मात्राएं बराबर नहीं होगी आप लाभ हानि को नहीं ज्ञात कर सकते। तो मात्राओं को बराबर करने वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना कि इस दुनिया में जब भी मात्राओं को बराबर करेंगे तभी लाभ हानि को ज्ञात किया जा सकता है, तभी लाभ हानि को फाइंड आउट किया जा सकता है। आइए एक और टाइप का सवाल इसमें देख रहे हैं। जब सीपी एसपी की तुलना में एसपी की तुलना में दिया जाए, नया टाइप है, एसपी की तुलना में दिया जाए। आइए जरा समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे सवाल कुछ ऐसा एग्जामिनर कहेगा, यदि किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। मतलब आपका एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, क्रय मूल्य का 96% हो तब लाभ प्रतिशत में कितना हुआ होगा।
जैसे देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि 4% का लाभ हुआ होगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहां पर सीपी पर यह लाभ नहीं निकल रहा है, ये एसपी पर निकल रहा है। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में लाभ और हानि हमेशा ही सीपी पर ज्ञात की जाती है, इस दुनिया में लाभ और हानि हमेशा ही सीपी पर ज्ञात की जाती है। तो अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं, तो आप यहां पर ऐसे सवालों में मानेंगे कि वस्तु का जो एसपी रहा होगा वो 100 रुपए रहा होगा, प्रतिशत नहीं कह रहा हूं, 100 रुपए रहा होगा। आप मानेंगे हर बार कि वो वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा होगा। अगर वो वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा होगा तो एसपी का वह 96% सीपी है, तो यहां पर सीपी निकल गया 96 रुपए का। इसका मीनिंग ये हुआ कि यह व्यक्ति 96 की वैल्यू, 96 की चीज 100 रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए का मुनाफा कमा रहा है 96 पर ही क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि इस दुनिया में लाभ और हानि केवल और केवल क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, तो 96 उसका क्रय मूल्य है। सॉल्व कर दिया हमने इसे तो यह आ जाएगा 24, फिर सॉल्व कर दिया तो यह आ जाएगा 25, 25 बटे में 6 का मतलब 4 सही, 1/6 प्रतिशत का लाभ हुआ है, 4 सही 1/6 प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो जो 4% सीधा दिख रहा था, वास्तविक लाभ 4 सही 1/6 प्रतिशत का होगा। हम कहेंगे कि इसे वास्तविक रूप से 4 सही 1/6 प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा, 4 सही 1/6 प्रतिशत का लाभ, 4 सही 1/6 प्रतिशत का लाभ। आइए फिर ट्राई करते हैं इसी टाइप में एक और सवाल, शायद ना समझ में आया हो तो अब आप ट्राई करना। इसमें एक विक्रेता की वस्तुओं का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 80% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। विक्रेता के वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ होगा, कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों के आंसर आए हैं ध्यान देना इधर प्लीज। हमने माना कि उस व्यक्ति ने जो खरीदी होगी वस्तु वह 100 रुपए में खरीदी होगी, तो ऑब्वियसली उसका जो सीपी है वह 80 रुपए का हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति 80 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा है, तो 20 रुपए का मुनाफा 80 रुपए पर कमा रहा है। हम कहेंगे कि इसको जो प्रतिशत लाभ हुआ है वह 25% का होगा। हम कहेंगे कि उसे 25% का लाभ हुआ है, हम कहेंगे कि उसे 25% का लाभ हुआ है। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल, फिर मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूं। एक दुकानदार, या डायरेक्ट लिखिए, कोई दुकानदार नहीं, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो तब हानि प्रतिशत में
ज्ञात कीजिए, तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 125% अगर है वो, तो आपको बताना है कि लॉस कितने परसेंट का होगा, तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो लॉस परसेंटेज में आपको बताना है, हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। बढ़िया, बहुत अच्छा, जिनका जल्दी आंसर आता है। पर बिल्कुल जो लोग नहीं हल कर पा रहे वो ध्यान दे कहां पर वो गलती कर रहे। जब सवाल या गणित कठिन लगे तो उसको तोड़ दिया करो कि ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ताकि ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो माना हमने कि एसपी उसका 100 रुपए का होगा, तो इस बार सीपी 125 रुपए का हो जाएगा। और 125 की चीज ये गरीब बेचकर आ गया 100 रुपए में, 25 रुपए का नुकसान, लेकिन 125 पर, क्योंकि 125 उसका सीपी है, हम कहेंगे कि उसे 20% की हानि होगी। लेकिन इस टाइप के सवालों में एक और सवाल कभी कभी एग्जामिनर बना देता है जो कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो एक सवाल लिखना, यदि दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपना लाभ 20% पाता हो, तब क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। इसी टाइप में है ये लगभग। इसका मतलब दुकानदार ने गलती से गणित नहीं पढ़ा हो, या फिर गलती से, हम जानते कि इस दुनिया में लाभ और हानि सीपी पर होता है, लेकिन उसने लाभ हानि एसपी पर ज्ञात किया है। तो अगर एसपी पर लाभ हानि हुई है तो वो वास्तविक लाभ हानि नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ हानि क्या होगी। तो ऐसे सवालों में आप फिर से कहेंगे कि माना उसने जो वस्तु बेची थी वह 100 रुपए में बेची होगी, तो अगर 20% का लाभ हुआ तो 100 पर 20 रुपए कम, मतलब 80 रुपए में उसने खरीदी होगी, 80 रुपए में खरीदी होगी, कम में खरीदी होगी, तभी तो लाभ हुआ। और क्योंकि एसपी पर लाभ हुआ था इसलिए 100 का 20 रुपए कम कर दिया सीधा। लेकिन वास्तविक रूप से 80 की चीज वो 100 में बेच रहा है, 20 रुपए का मुनाफा उसे 100 पर नहीं, सीपी तो 80 था, तो ये वास्तविक प्रतिशत लाभ आ जाएगा। उसका वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, उसे वास्तविक लाभ हो रहा है 25% का। हम कहेंगे कि उसे एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% का हो रहा है, उसे जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो 25% का हो रहा है, उसका जो वास्तविक मुनाफा है वो 25% का होगा। इस टाइप के सवाल भी कई बार यूपीएससी में आए हैं, जहां पर वो कहेगा कि दुकानदार ने गलती से लाभ एसपी पर निकाल दिया, तो बताइए सीपी पर क्या होगा। तो आप एसपी को फिर से 100 रुपए मान लेना, और जैसे अभी तक हम हल करते थे उसी टाइप में इसको भी हल कर देंगे। ऐसे सवाल जहां पर भी आ जाए, जहां पर वो एसपी पर लाभ आपसे पूछ रहा होगा, एसपी पर लाभ आपसे दे रहा होगा, और सीपी पर वास्तविक लाभ पूछ रहा होगा, आप इसी तरीके से हल करिएगा। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाना चाहिए। तब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।